श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि इस पावन महायज्ञ में दूर दूर से भक्त अपनी हाजिरी लगाकर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इंद्रदेव बबलू पंडित ने कहा कि नकारात्मक सोच हमेशा दुखी ही करती है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बुराइयों में भी छाइयां ढूंढ लेता है। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लकी, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता, प्रीति, कोमल, सोनिया, रत्ना, ज्योतिषाचार्य गौरव, गग्गू, साहिल, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी, जय कालिका धाम। आज मैं किशनपुरा में कालिका धाम, जहाँ पे हर सैटरडे को महाचंडी यज्ञ होता है, इस उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पे यज्ञ करने के लिए पहुँची। यहाँ पे बहुत से दुखी लोग आते हैं और अपने हवन करके अपने दुख दूर करते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे आए, लेकिन ये मेरी अजमाई चीज़ है। मैं किसी पंडित को नहीं मानती, एक ठाकुर जी के सिवाय किसी को नहीं मानती, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी, एक अपनी श्रद्धा भाव से आई थी, मेरे जो काम मैंने कभी सोचे भी नहीं थे वो काम मेरे चंडी मैया ने पूरे किए हैं, जिसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए माँ जी को और हमारे बबलू पंडित जी, जिन्होंने जो एक हमारे इस मृत्यु लोक में आकर एक भगवान ने एक ऐसा जरिया बनाया है हम जैसे दुखी लोगों के लिए, जिसका हम कभी देन ही नहीं दे सकते। और ये मैं कोई किसी के द्वारा खरीदी गई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब भी आप कहीं भी जाओ, आज मैं यहाँ चंडी हवन यज्ञ में आई हूँ, अगर आप कहीं भी जाओ लेकिन अपनी श्रद्धा भाव से जाओ, वो परमात्मा, वो माँ हमेशा आपकी सुनेगी। ज़्यादा मैं कुछ ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय माता दी, जय माता, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से, कालिका धाम किशनपुरा, जहाँ हर शनिवार को माँ चंडी का विशाल यज्ञ होता है, जिसमें बहुत सारे प्रयोग उपाय वैदिक रीति से, जो भी वेद शास्त्रों ने उल्लेख किया है, वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। और शास्त्र भी कहता है कि सच्ची निष्ठा से और मन से, विश्वास से और सही विधि से अगर हो तो बहुत जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि विधि होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मंत्र गलत हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, प्राश्चित लगता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुद्धता और पवित्रता और मर्यादा का ध्यान रखा जाता है और वैदिक रीति से की जाती है। और हर शनिवार शाम को 5:30 बजे से लेकर के लगभग 1.5-2 घंटे तक माँ चंडी का ये विशाल यज्ञ चलता है, और ये निःशुल्क चलता है। बाकी दिन हम जन्म पत्रिका के लिए, कैसे चीज़ के लिए बैठते हैं, तो पत्री आदि खाने के जरूर फीस वगैरह है छोटी सी, लेकिन शनिवार को ये हमेशा ही निःशुल्क चलता है। ना यहाँ पर किसी से कोई दक्षिणा, ना कोई फीस, ना कोई सामग्री, कुछ भी नहीं लिया जाता, जन कल्याण की भावना से। और बहुत खुशी होती है, बहुत सारे लोगों के कार्य उनकी श्रद्धा की बदौलत, उनकी निष्ठा की बदौलत माँ बहुत जल्दी, माँ चंडी, माँ काली बहुत जल्दी कल्याण करती है। लेकिन अगर आपकी निष्ठा सही है तो बहुत जल्दी माँ सुनती है। और ख़ास करके जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई चीज़ ना आपको दी जाती है जिसके एवज में पैसे ले जाए, ना कुछ ऐसा बताया जाता है कि आप ये औषधि या सामग्री डालो या किस उपाय के लिए। मेरा मानना, मेरा नहीं, वेदों का भी मानना है कि सच्चे दिल से और वेद मंत्र शुद्ध हो, भावना सच्ची हो, तो चाहे आप भगवती को केवल या माँ चंडी को केवल तिल, जो चावल, गुड़ से ही किसी भी मंत्र पर रोक लें, किसी भी कामना के लिए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि शत्रु के लिए है या विवाह के लिए है, इस काम के लिए तो ये सामान चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी हुआ करता है, हालांकि वो उनका अपना विषय है कि ये सामान डालना है, यहाँ से लेना है। तो मैं इसलिए बताया करता हूँ कि कालिका धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब मर्जी आए यहाँ पर। कोई शनिवार को कम से कम एक दिन ऐसा भगवती चंडी का है, चाहे गरीब आए, अमीर आए, सबके लिए एक जैसा व्यवहार है।
और कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई सामान सुमन यहाँ से बेचा जाता ना दिया जाता, सब कुछ निःशुल्क यहाँ से शनिवार को दिया जाता है। जो भी औषधि भी लगती है, जो प्रयोग के लगते हैं, जो उपाय का सामान भी लगता है, सब कुछ धाम की तरफ से लगता है। उसमें एक रुपया भी किसी से कभी नहीं लिया जाता है। इसलिए आप जरूर माँ चंडी की आराधना, क्योंकि भगवती कालों की काल है। माँ चंडी जो चाह ले तो ग्रह है या दुनिया की हर चीज़ संभव हो जाता है। भगवती यानी शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो महारानी की, माँ काली की आराधना जीवन में सबसे आवश्यक है।